प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर बहराइच के जंगल में आदमखोर भेड़िये को मारने के लिए 9 शूटरों की एक विशेष टीम तैनात की गई है। उस टीम में वन विभाग और पुलिस के शूटर शामिल किए गए हैं। बुधवार को राज्य सरकार की ओर से एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। इस मामले में बहराइच के प्रभागीय वनाधिकारी ने जानकारी देते हुए पीटीआई को बताया कि इस स्पेशल टीम में शामिल किए गए शूटरों में से 6 वन विभाग से हैं, जबकि 3 यूपी पुलिस से हैं। प्रभागीय वनाधिकारी ने आगे बताया कि वन विभाग ने पूरे अभियान को 3 खंडों में 3 विशेष टीमों के अलावा एक टीम को रिजर्व में रखा गया है। प्रत्येक विशेष खंड में 3 शूटर तैनात कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि टीम का मेन काम आदमखोर भेड़िये की पहचान करना और उसे चिड़ियाघर में स्थानांतरित करना या उसे गोली मारना है। अब उसे जंगल में खुला नहीं छोड़ा जाएगा। भेड़िया दिखाई देने पर हालात के मुताबिक उसे पकड़कर बंद करना है या गोली मारना है, ये तय किया जाएगा। प्लान ये है कि मौके पर ही भेड़िये को शांत करना है और पकड़ना है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो भेड़िये को गोली मारने में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। बहराइच में मार्च से ही भेड़िये इंसानों पर हमला कर रहे हैं। 17 जुलाई से बारिश का मौसम शुरू होने के बाद से हमले और बढ़ गए हैं। सोमवार तक भेड़िये ने 8 लोगों को मार डाला है, जिनमें 7 बच्चे हैं और करीब 36 लोग घायल हुए हैं। वहीं वन विभाग की 16 टीमें लगातार कॉम्बिंग कर रही हैं। शाम होते ही गांव में गोले पटाखों की आवाज गूंजने लगती है। लाउड स्पीकर से जागते रहो का शोर दूर दूर तक सुनाई देता है। 200 पुलिस व पीएसी के जवान निगरानी में लगाए गए हैं। ग्रामीण टोलियां बनाकर घूमते नजर आते हैं। हालांकि इन सारी कोशिशों के बाद भी ग्रामीणों में भेड़ियों को लेकर दहशत है। ग्रामीण रत जगा कर रात बिता रहे हैं। लोकेशन मिलने के बाद भेड़िया चकमा देकर निकल जाता है। फिलहाल बुधवार को भेड़िये की कोई लोकेशन नहीं मिली। भेड़िया प्रभावित गाँव में चौकसी बढ़ गई है।